हेलो एवरीवन, तो जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं जी, ये मेट्रो स्टेशन पे। तो अभी हम न्यू दिल्ली आए थे, तो आज हम दिल्ली घूमेंगे, साथ साथ आपको भी घुमाते हैं। तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाना है, मेरे को भी नहीं पता, तो जहाँ जहाँ जाएँगे आपको भी। पहला स्टॉप आ गया हमारा, ये देखो चांदनी चौक आ गए हैं, यहाँ कुछ खाते हैं और देखते हैं लाल किला भी देखने जाएंगे। ये चांदनी चौक, मेन चांदनी चौक जो है ये सामने हमारे गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहब। अब हम आ गए हैं जी चांदनी चौक के अंदर के बाजारों में, तो जाएंगे अब परांठे वाली गली और आपको भी दिखाते हैं। हमने आ गया जी, ये आ गया रोज़ गार्डन, ये एक जैन मंदिर और ये है श्री शिवालय श्री गौरी शंकर मंदिर का। हम आगे बस रेड फोर्ट, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, ये हमारे पीछे रेड फोर्ट है। पहुँच गए रेड फोर्ट, गर्मी ज़बरदस्त हुई पड़ी आज कि ये देखो ये पूरा रेड फोर्ट का एरिया है। हम आगे देखो रेड फोर्ट के अंदर एंट्री ले ली हमने। अब इस वीडियो में थोड़े क्लिप्स डाल दूंगा और एक पूरी प्रॉपर लंबी वीडियो जो होगी वो अलग से डालूंगा रेड फोर्ट की, तो बने रहिए। देखो जी ये हम आगे रेड फोर्ट के अंदर, तो जिन्होंने ताजमहल डिजाइन किया था उन्होंने ये रेड फोर्ट पे डिजाइन किए, नाम अभी याद नहीं आ रहा, नाम अभी थोड़ी देर बस आगे जाके कहीं लिखा होगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा। ये देखो रेड फोर्ट का, ये देखो जी ये आ गया छत्ता चौक। छत्ता चौक का मतलब जैसे पंजाबी में छत बोलते हैं तो उसके हिसाब से पढ़ के छत्ता चौक। तो ये पहला क्लोज्ड बाज़ार था, इससे पहले मोस्टली इंडिया में ओपन बाज़ार हुआ करते थे, तो पहला क्लोज्ड बाज़ार बना था जो छत्ता बाजार है, छत्ता चौक कहा करते थे इनको जी। मोस्टली यहाँ पे ऑर्नामेंट्स मिला करते थे और जो ये आइडिया था इस पूरा बाजार बनाने का ये पेशावर से लिया गया था। यहाँ पे रेड फोर्ट के अंदर एक कोई शो देखने आए हैं, कोई 12 मिनट का शो होता है और एक 360 डिग्री शो है और एक स्टोरी ऑफ रेड फोर्ट है पूरा म्यूजियम की, तो अभी हम वो देखेंगे और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं पूरा रेड फोर्ट का मैप। ये देखिए कैमरा ले आता हूँ, ये देखो ये जो गेट नंबर 1 आप यहाँ देख रहे हो इसका गेट का नाम है लाहौरी गेट। तो उस टाइम इस गेट का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर यहाँ से हम स्ट्रेट बिल्कुल इस गेट से स्ट्रेट चले जाएँ तो सीधा लाहौर आता था, और लाहौर में वैसे ही दिल्ली गेट है एक फोर्ट पे, तो उसके लिए सीधा सामने आ जाए। तो 360 डिग्री आ गए हैं बस शो देखने, 360 डिग्री तो यहाँ पे शो चलेगा इंग्लिश में। The atmosphere in the kitchen is tense. There should be no
ये तो जी हमने 360 डिग्री शो देख ली है, अब हम जा रहे हैं जी म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में ये ऊपर जाके है, ये देखो सारा सैंडस्टोन लगा हुआ है, ये देखिए ये पीछे ये पूरा। ये जो जी जगह जहाँ पे अब म्यूज़ियम बना हुआ है अफसाना जिसको हम कहते हैं, ये 150 साल पहले बनी है आज से, ये देखिए अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। कर दिया अपना टूर एग्जिट पूरा, थोड़े थोड़े बीच में आपको फोटोज और क्लिप्स मिलेंगी। ये देखो ये पूरा का पूरा तो इसका रेड फोर्ट का एरिया। अब हम चलते हैं नीचे और बाकी का रेड फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी वीडियोस दिखाते हैं। रेड फोर्ट को बनते हुए लग गए थे कम से कम 9 साल के आसपास। खाने का भी सही सिस्टम बना हुआ है तो बस खा रहे हैं, पानी की बॉटल लेके हम चल रहे दीवाने खास की तरफ। ये देखो कैंपस पूरा बहुत ही बड़ा एरिया रेड फोर्ट का, ऐसा लग रहा है अपने आप में ना कितने एकड़ हो गए। ये नौबत खाना तो यहाँ, ये बेसिकली इसको ड्रम हाउस कहते थे, तो जब भी कोई आया करता था या कुछ भी होता था तो यहाँ पे म्यूज़िक बजा करता था, तो ये पूरा नौबत खाना है। ये नौबत है जी, नौबत खाना है इसको। नौबत को हम उर्दू में फ्लूट को हम उर्दू में नौबत कहते हैं, तो ये नौबत खाना है पूरा। देखो जी ये आर्किटेक्चर जो है ये लग तो अंग्रेजों के टाइप का रहा है, लेकिन कन्फर्म नहीं, इसे पूछना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर वैसे वो पीछे वहाँ पे वो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, ये कुछ अलग तरह के आ गए। म्यूज़ियम में आ गए, म्यूज़ियम की जगह को 30 रुपये शायद एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये देखो ये रहा म्यूज़ियम, जो हम पिछले म्यूज़ियम में गए थे उसके तो हमने 200 रुपीज़ दिए थे बहुत शो के और म्यूज़ियम के। ये अलग म्यूज़ियम है, ये वाला म्यूज़ियम है जिसके हम एंट्रेंस पर ही 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देते हैं। पूरा हिस्ट्री लिखिए, आप पॉज करके पढ़ लेना। देखो देखिए जी ये दीवाने आम, ये बेसिकली क्या कह लो आप, यहाँ सभा लगा करती होगी, ऊपर राजा बैठा करता होगा और यहाँ नीचे सारी सभा पीछे रहती होगी। हमने हीरा महल देख रहे हो देखने। तो जी 15 अगस्त के दिन यहाँ से स्पीच होती है ऊपर, यहाँ से ऊपर से स्पीच होती है प्राइम मिनिस्टर की। ये देखो ये पूरा का पूरा की हमारी विजिट हो गई है जी, तो आज का व्लॉग अब हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज हमने चांदनी चौक घूम लिया, गुरुद्वारे साहब जाए, रेड फोर्ट आ गए और खाने की भी काफ़ी चीज़ें देख ली, तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।